आदमी कैसे जीवन यापन करता है। आप गांव में भी जाते हैं, आप शहर में भी जाते हैं, आप लोगों से मिलते भी हैं, उन गरीब बच्चों से मिलते हैं जिनके यहाँ सुबह नाश्ता नहीं बनता है, आप उन बच्चों से भी मिलते हैं जो मिड डे मील का भोजन अपने टिफिन में रख के अपने भाई बहन के लिए घर ले जाते हैं, आप उन बच्चों से भी मिलते हैं जो माँ बाप के लिए भी MDM का कुछ भोजन रख के ले जाना चाहते हैं कि अगर हेडमास्टर की निगाह चूक जाए। वहां शुरू होता है असली वो सच। जी सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार सर। और आज देश का दुर्भाग्य है और संसद का दुर्भाग्य है कि महंगाई जिसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करती, वो लोग संसद में बैठकर महंगाई पे चर्चा करते हैं। जिन सांसदों को 600 रुपया कपड़े धुलाई के लिए मिलते हो, जिस देश का गृह मंत्री 850 रुपया बोतल का पानी पीता हो, वो लोग संसद में बैठकर महंगाई पे चर्चा करते हैं। ये तो दुर्भाग्य है सर। अरे महंगाई देखना है तो उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में आके देखो, उन अनुदेशकों को देखो कि किस प्रकार से वो अनुदेशक 300 रुपया में अपना परिवार चलाने को मजबूर है। 300 रुपया उसको प्रतिदिन मिलता है, 200 से 250 रुपया वो पेट्रोल में चला देता है, क्योंकि उसको 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उन महिला अनुदेशकों से पूछो जो 400 से 450 रुपया ऑटो का किराया देती है, बहन का किराया देती है। उन महिला अनुदेशकों से पूछो जिनका ससुराल लखनऊ में है और वो बहराइच में अपने विद्यालय के पास किराए का मकान लेकर 4000 रुपया 9000 रुपया पाने वाली महिला 4000 रुपया किराए के लिए दे देती हो। उसका एक बच्चा लखनऊ में है, एक बच्चा बहराइच में है, एक बच्चा बस्ती में है, एक बच्चा बलरामपुर में है, दो दो जगह उसके खर्चे चलते हैं। लेकिन वो लोग महंगाई की चर्चा करते हैं जिसको 2.5 लाख से 3 लाख रुपया संसद में सोने को मिलते हो। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है सर, जिनको संसद में सोने के लिए 250 से 2.5 लाख से लेकर 3 लाख 4 लाख रुपया मिलते हो, और जो संसद में बैठकर जेन्यून मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। आज उत्तर प्रदेश में कल DBT DBT 1200 रुपया अकाउंट में भेजा गया। पहले बच्चे का ड्रेस जरूरी है कि पहले बच्चे का किताब जरूरी है, ये तय करना पड़ेगा हमको। 5 महीने हो गए उत्तर प्रदेश के बच्चों को किताब नहीं मिली है, लेकिन ड्रेस की बहुत चिंता है, जूतों की बहुत चिंता है, मोजों की चिंता है, अभी ठंडी आई नहीं लेकिन स्वेटर की चिंता है। अरे पहले किताब की चिंता करो। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक किस प्रकार से उन विद्यालय में उन बच्चों की गरीबी को देखते हैं। जैसे ही घंटी 10:30 बजे जैसे ही MDM की घंटी लगती है सर, महंगाई वहां आकर देखिए, गरीबी वहां आकर देखिए। जैसे ही MDM की घंटी लगती है, एक दूसरे को धक्का देते हुए वो बच्चा सबसे पहले आगे जाने को तैयार होता है कि किस प्रकार से हम किसको धक्का देकर आगे चले जाएं, क्योंकि सबसे पहला भोजन वो चाहता है, क्योंकि वो घर से खाना खाकर नहीं आया है, उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को खाना खिला पाए। जब असेंबली होती है कई बच्चे वहां पर बेहोश होकर गिरने का कार्य करते हैं, कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं, पता किया जाता है कि ये बच्चा क्यों बेहोश हो गया, तो उसकी माँ बताती है, उसके पापा बताते हैं कि आज मेरा बच्चा खाना खाकर नहीं गया, इसीलिए विद्यालय में बेहोश हो गया। और संसद में बैठकर बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बड़े बड़े आभा मंडल फर्जी आभा मंडल बनाकर कि महंगाई पे चर्चा करते हो। अरे शर्मानी चाहिए, जरा उन विद्यालय में आओ, उन गाँव में जाओ। गरीबी देखनी है तो उत्तर प्रदेश के उन गाँव में जाकर गरीबी देखो, महंगाई देखो। अपने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था नहीं है। हमने पढ़ा है सर कहीं की एक बालिका है जो पेंसिल के बारे में लिखी है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखी है कि मम्मी जब पेंसिल हम खरीदने के लिए मम्मी को कहते हैं तो मम्मी हमको डांटती है और मारती है कि तुमको तो अभी 2 दिन पहले पेंसिल दिया था, और मम्मी कहां से पेंसिल की व्यवस्था कर पाए। पेंसिल का दाम भी आज 7 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, रबर पे, कटर पे, पेंसिल पे, किताब पे, कॉपी पे, सब पे आपने GST लगा
लगा दिया। अरे पढ़ाई के सामानों को तो कम से कम जीएसटी लगाए होते। मां गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा किया क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया तो गांधी जी को दांडी यात्रा करनी पड़ी। और आज देश के इन अंग्रेजों से भी खतरनाक लोगों ने हर चीज पर टैक्स लगाने का कार्य किया तो देश की जनता कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। वो नागनाथ के पास जाए कि सांपनाथ के पास जाए? और आपको सत्ता यदि दोबारा मिल गई, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने सबको जीत लिया, सबको पूरा देश में फील गुड है। फील गुड कराने का आपको समय आ गया। संसद में बैठकर फील गुड भले आप कर सकते हो, लेकिन जरा देश के उन गरीबों के उन घर में जाओ जिसके घर में बच्चों को पहनने के लिए चप्पल नहीं है। आज भी सर हमारे विद्यालय में कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं रहती है सर, देख के मन इतना रोता है। उनके पास पेंसिल नहीं है, उनके पास रबर नहीं है, उनके पास कटर नहीं है, वो किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे? न कॉपी है न किताब है, लेकिन बड़े बड़े फर्जी आभा मंडल बनाकर महंगाई पे चर्चा करते हो। अरे जरा अंतर प्रदेश के अनुदेशकों की स्थिति को देखो, उनके बच्चों के देने के लिए फीस नहीं है, उनके बच्चे क्या खाएंगे वो चिंता करता है, उनके बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिलता है। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ।